खबर रुद्रपुर से है। मकर संक्रांति का त्योहार हिंदू धर्म के प्रमुख त्योहारों में शामिल है, जो सूर्य के उत्तरायण होने पर मनाया जाता है। इस पर्व की विशेष बात यह है कि यह अन्य त्योहारों की तरह अलग अलग तारीखों पर नहीं है, बल्कि हर साल 14 जनवरी को ही मनाया जाता है, जब सूर्य उत्तरायण होकर मकर रेखा से गुजरता है। कभी कभी यह एक दिन पहले या बाद में यानी 13 या 15 फरवरी को भी मनाया जाता है, लेकिन ऐसा कम ही होता है। मकर संक्रांति का संबंध सीधा पृथ्वी के भूगोल और सूर्य की स्थिति से है। जब भी सूर्य मकर रेखा पर आता है, वह दिन 14 जनवरी का ही होता है। अंततः इस दिन मकर संक्रांति का त्योहार मनाया जाता है। ज्योतिष की दृष्टि से देखें तो इस दिन सूर्य धनु राशि को छोड़कर मकर राशि में प्रवेश करता है और सूर्य के उत्तरायण की गति प्रारंभ होती है। भारत के अलग अलग क्षेत्रों में मकर संक्रांति के पर्व को अलग अलग तरह से मनाया जाता है। इस दिन गंगा स्नान करके तिल के मिष्ठान आदि को ब्राह्मणों व पूज्य व्यक्तियों को दान दिया जाता है। इस पर्व पर क्षेत्र में गंगा एवं राम गंगा घाटों पर बड़े मेले लगते हैं। समूचे उत्तर प्रदेश में इस व्रत को खिचड़ी के नाम से जाना जाता है तथा इस दिन खिचड़ी खाने एवं खिचड़ी दान देने का अत्यधिक महत्व होता है। आज इस अवसर पर SKLO मैनेजमेंट के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं के द्वारा SKLO मैनेजमेंट ऑफिस के सामने खिचड़ी वितरण का कार्यक्रम किया गया और आने जाने वाले लोगों को खिचड़ी वितरण की गई। इस दौरान कोरोना को देखते हुए मास्क लगाकर और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए पावन पर्व श्रद्धा पूर्वक SKLO मैनेजमेंट के स्टाफ के द्वारा मनाया गया और इस दौरान महेंद्र राव हसन, खेमनंद जोशी, विनोद कुमार गुड्डू, सूरज कुमार, मुकेश कुमार, अशोक कुमार, मनोज कुमार, राजीव गंगवार, दिनेश प्रदीप और SKLO मैनेजमेंट के सभी कर्मचारी उपस्थित थे। हिंदुओं का सबसे बड़ा त्यौहार होता है। आज से हमारे नए वर्ष लगते हैं और जितने भी शुभ कार्य हैं वो शुरू हो जाते हैं और आज का दिन बहुत ही शुभ माना जाता है। तो ये 14 जनवरी हमारे लिए मकर संक्रांति बहुत बड़ा त्यौहार होता है। सर, जैसे कोरोना गाइडलाइंस का आप पालन कर रहे हैं? हाँ, कोरोना गाइडलाइंस चल रहा है। जैसे आपको पता ही है, शहर में आचार संहिता लगी हुई है और अपना माहौल भी थोड़ा कोरोना काल का है, तो सबको देख के मास्क वास्क लगा के सब वितरण किया जा रहा है खिचड़ी का।